करवा पाई है जहां प्रशासन नहीं पहुंचा। सर प्लीज आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए, क्योंकि इन्होंने उन जगहों पर काम किया है जहां सरकार नहीं पहुंच पाई है, जहां प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे साथ दीपक। दीपक, क्योंकि जैसा भी सर के बारे में हम बात कर रहे थे, सर उन इलाकों में गए हैं जहां सरकार नहीं पहुंची, जहां प्रशासन नहीं पहुंचा है, और जो नक्सल प्रभावित इलाका है सर, वहां आप पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किए, सौभाग्य है। मैं अबुझमाड़, सुने होंगे अबुझमाड़, ओरछा। मैं अबुझमाड़ से बिलोंग करता हूँ और वहीं का ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो स्कूल प्रारंभिक शिक्षा हुई वो भी मेरे गांव में ही हुई, ओरछा से करीब 3 किलोमीटर दूर गुदाड़ी। फिर मैं 9th क्लास में जेनवी बारसूर दंतेवाड़ा में मेरे 12th पास किया। उसके बाद साइंस कॉलेज रायपुर में BSc किया। उसके बाद मैं PT जैनम मेडिकल कॉलेज में 2010 बैच से पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद मैं मेरे जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मेरा जहाँ पर शिक्षा दीक्षा हुई प्रारंभिक, मैं वहीं पर मेरा पोस्टिंग लेना चाहा और मैं CSC ओरछा में मेरा पहला पोस्टिंग लेके काम करना शुरू किया। और जैसे जानते हैं अबुझमाड़, जहाँ पर बहुत अंदर तक रोडे नहीं है, एक जो भौगोलिक स्थिति है, विषम परिस्थिति है वहाँ पर, तो स्वास्थ्य को पहुँचाना, एक जो हेल्थ वर्कर है वहाँ तक जाना बहुत दिक्कत चीज़ है। तो हम लोग वहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन या हेल्थ जो अमला है वो सब मिलकर, हम लोग, मैं लगभग 6 साल वहाँ रहा, मिलकर ऐसे ऐसे जगह गए जहाँ पर आज़ादी से अब तक कभी मेडिकल टीम नहीं पहुंची थी। एक उदाहरण दूंगा मैं, एक अड़समेटा है, एक अड़समेटा जो बीजापुर बॉर्डर में है, ये ओरछा ब्लॉक में आता है, वहाँ पर हम लोग जुलाई 3 जुलाई 2021 में गए थे रात को, लगभग फुल तेंद्रवती नदी छोटे छोटे नाव में पार करके हम लोग चले गए थे। और हम लोग करीबन 2 बजे पहुँचे वहाँ, पैदल लगभग 15-16 किलोमीटर तेंद्रवती नदी पार करके। तो 2 बजे से रात 10 बजे तक हम लोग, बारिश हो रही थी, रात भर हम लोग इलाज के लिए 10 बजे तक पहले से पेशेंट को खबर कर दी थी कि मेडिकल टीम आ रही है नहीं। तो उन लोगों का कहना था कि डॉक्टर अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया था, ये पहला मेडिकल टीम है जो यहाँ तक पहुँची। सुखराम दोरपा जी, अबुझमाड़ का आपने जिक्र किया, नाम से ही पता लगता है अबुझमाड़, जिसको बूझा नहीं जा सका है, उसमें भी ओरछा। नारायणपुर नक्सल प्रभावित है, अबुझमाड़ का वो एरिया, वो इलाका जहां नक्सलियों की आमद है, सरकार नहीं पहुंच पाई, प्रशासन नहीं पहुंच पाया। और सबसे बड़ी बात, आपने एक चीज़ कही कि मैंने पढ़ाई करने के बाद वही चाहा कि मुझे पोस्टिंग मिले। जो नए डॉक्टर हैं वो ये चाहते हैं कि हमें बस्तर में मत रखिए, हमें शहर में ले आइए, मेट्रोपॉलिटन सिटी। हाँ, ये बस्तर को लेकर है, तो ऐसा क्यों कि आपने कहा मैं वहीं रहूँगा? ये मेरा एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। जो मेरी माँ थी वो एक लेबर पेन के कारण ख़त्म हो गई, लगभग मैं 2 साल का रहता, मतलब बताया जाता है। तो मेरा इच्छा था कि कोई लेबर केस में हो या मलेरिया में हो, अपने आसपास के लोग की मृत्यु ना हो, मैं वहाँ सेवा दूँ। मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरी माँ थी, वहाँ खुशी है। अभी आप रायपुर में हैं, रायपुर में आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को लेकर जो पढ़ाई की जाती है फर्स्ट ईयर में, वो क्या है और उसको करने के बाद आगे क्या होगा? क्योंकि ये भी जानकारी है कि आप अपनी पत्नी को नर्सिंग आपने पढ़ाया और वो वहीं काम कर रही है अभी। जी जी जी, मेरी पत्नी भी स्टाफ नर्स है और वो वहीं पोस्टेड है CSC ओरछा में, वर्तमान में पोस्टेड है। और मैं अभी MD पीडियाट्रिक्स फर्स्ट ईयर अपने PT JNM से कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी ओरछा में अभी, मतलब कोई भी ऐसी शिशु रोग विशेषज्ञ, कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, तो मैं भविष्य में वहाँ जाके अपनी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा प्रदान करूँ। बहुत शानदार, आपके बारे में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चर्चाएं हैं। नारायणपुर चलते हैं जहाँ से आप हैं। नारायणपुर की बात आती है जब नक्सलवाद की बात आती है, कभी इस तरह की परिस्थिति हुई कि आपको दो चार होना पड़ा, आपके सामने कभी ऐसी चुनौती आई? क्योंकि आप जिस इंटीरियर में जाके आपने काम किया, वहाँ तमाम ऐसे रास्ते हैं जो उबड़ खाबड़ हैं,
नक्सलवाद की दृष्टि से, सड़क की दृष्टि से भी, तो कितनी चुनौती रही और कैसे कभी सामना हुआ आपका कि आप मत काम करिए या इस तरीके से? जी, जो हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स या नर्सेस को कभी भी मतलब नक्सलिज्म के कारण काम करने में परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो रोडें हैं, सड़कें हैं, नहीं हैं, उस रास्ता के कारण तो परेशानी हुई। बिल्कुल सर, आप उन जगहों पर भी गए हैं जहां लाल सलाम का एक आतंक है, जहां लाल सलाम कहा जाता है, लोगों में एक डर भी होता है। उन जगहों पे लोगों का इलाज करना, लोगों को कन्विंस करना कि आपको एक बीमारी है या आप बीमारियों से कैसे बचे रहें, उन चीज़ों को लेके उन्हें कन्विंस करना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज रहा मैडम। जैसे कि मैं 2018 में पोस्टिंग लिया CSC ओरछा में, तो CSC ओरछा में जो IPD रहती थी बहुत कम रहती थी। क्या है, मैं वहीं का हूँ, वहाँ का लैंग्वेज समझता हूँ और लोगों को कन्विंस ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि ये यहीं का लड़का पढ़ा लिखा है, जो भी मतलब इलाज देगा, जो भी मेडिसिन देगा सही देगा। तो उस समय से IPDs बढ़े हैं, OPDs बढ़े हैं, और ख़ासकर अबूझमाड़ ओरछा या अलवर बस्तर में देखें तो मलेरिया बहुत ज़्यादा है। खासकर अपने ओरछा में लगभग 90% पेशेंट हम लोग जो भर्ती करते थे मलेरिया से करते थे। तो उसके पहले मलेरिया से भी पेशेंट लोग नहीं आते थे, झाड़ फूँक करने चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है, अभी हेल्थ वर्कर्स लोगों का या हम लोगों का पहुँचना बढ़ा है इंटीरियर एरिया में, तब से लोग जागरूक होकर हॉस्पिटल आना ज़्यादा मतलब प्रिफर कर रहे हैं झाड़ फूँक से। आप कुछ चीज़ों पर रिसर्च भी कर रहे हैं, जानकारी लगी है, कुछ और भी काम कर रहे हैं बस्तर को लेकर, नारायणपुर को लेकर, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं मलेरिया के ऊपर ही कर रहा हूँ। मलेरिया मतलब जो हम लोग ACT किट देते हैं, वो देने के बाद बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोग हो जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर है। एक गरियाबंद और एक नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को लेकर, दो अलग अलग जिलों को लेकर, क्या मतलब जियोग्राफिकल वेरिएशन है या जागरूकता के कारण है, किस कारण से ये हो रहा है? क्योंकि जो भारत सरकार ईएसटी किट प्रोवाइड कर रही है वो अपना प्रूवन है कि वो ट्रीटमेंट हो जाते हैं 3 दिन के बाद, लेकिन ऐसा हम लोग डे टू प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, तो उसी के ऊपर। तो ये जो बस्तर के या गरियाबंद के हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे कि मैदानी क्षेत्रों में भी यही स्थिति है? जी जी, इसी को लेकर मेरी स्टडी है। मैं जैसे गरियाबंद में भी कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ मैदानी के इलाके हैं, और बस्तर का और गरियाबंद का मौसम तो अंतर है, और कुछ भौगोलिक स्थिति भी कुछ सिमिलर है, कुछ अलग है, उसी को लेकर। फिलहाल आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, उसके बाद आप दोबारा कूच करेंगे बस्तर के लिए। बस्तर में तमाम बच्चे ऐसे हैं जो लाल सलाम, लाल आतंक की ओर बढ़ रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या सुझाव है? पढ़ सकते हैं। मैं जितना भी समस्या देख रहा हूँ, बस्तर में हो या मेरा बुजमाड़ में हो, नारायणपुर में हो, जो आप लोग लाल आतंक भी कह रहे हैं, उसका एक ही इलाज है, शिक्षा। यदि हर व्यक्ति, हर बच्चा वहाँ शिक्षित होगा तो मेरी तरह डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या वकील बनेगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा अंदरूनी इलाकों तक पहुँचाना चाहिए, शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, सरकार को, NGOs को या हमको सबको मिले। बिल्कुल सर, आपने नक्सल प्रभावित इलाकों में आपने ट्रीटमेंट किया है, आप उन जगहों पर गए हैं जहां आप तक प्रशासन भी नहीं पहुंचा है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ जहां आपको किसी नक्सली का ही इलाज करना पड़ा हो? क्योंकि डॉक्टर के लिए तो मरीज सभी हो, मतलब सभी मरीज एक समान होते हैं। ऐसे तो जैसे कैंप लगाते थे तो गोली पानी तो मांगने के लिए आ जाते, तो देना पड़ता, ऐसी कोई मतलब ना तो नहीं कर रहे, जैसे अंदर चले गए बीच में, रात भर हम इलाज कर रहे हैं, तो बीच में आगे भी बुखार है, गोली दे दो, उस समय देना करना पड़ता था। अच्छा, आदिवासी इलाकों की अगर बात कर ली जाए, जहाँ जहाँ आप अब तक गए हैं, ऐसी वो कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा वहाँ पे लोगों को प्रभावित कर रही है? जैसे आपने मलेरिया का जिक्र किया, अगर मलेरिया के अलावा किसी और बीमारी की अगर बात की जाए तो वो कौन सी बीमारियां हैं जिससे इस वक्त वहाँ के लोग सबसे ज्यादा ग्रसित हैं या वो सबसे ज्यादा परेशान हैं? ऐसा कुछ जैसे बच्चों में देखा हूँ माल न्यूट्रिशन है, और मदर्स में देखा हूँ एनीमिया है, वो दोनों कारण ही मलेरिया का है। क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जाके अंदर देखोगे तो सब में स्प्लेनोमेगाली मिल रहा है, उसको लंबे समय से लगभग 1-2 महीने से मलेरिया रहता है। तो मेन कारण मलेरिया, जैसे मदर्स में एनीमिया हो या बच्चों में माल न्यूट्रिशन हो, मेन कारण मलेरिया ही है।
मेन कारण मलेरिया है, कुपोषण भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इन आदिवासी इलाकों में। जी, चैलेंज रहा है, अभी भी है कुपोषण। और इसको जैसे NRCs चालू किए हैं, अब NRCs के तहत बहुत सारे लोगों को क्योर भी किया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट अपने CSC ओरछा में भी NRC है, वो आते हैं, वजन कम रहता है, 15 दिन रहते हैं। फिर अभी चैलेंजेस तो हैं अंदर, जो बहुत जैसे ओरछा से 60 किलोमीटर अंदर, 30 किलोमीटर अंदर कुछ लोग नहीं जा पाते, नहीं आ पाते। आपने 6 साल नारायणपुर में काम किया, भूजवाड़ में काम किया, कितनी चुनौती नजर आई? मैदानी क्षेत्र में भी आके आप पढ़ रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या नज़र आता है? चुनौतियाँ तो बहुत सारे हैं, जैसे एक तो रोड सड़क नहीं है, एक पहुँच नहीं पाते, वो एक पहला चुनौती है। और दूसरा है मानव संसाधन, जैसे डॉक्टर्स या नर्सेस अंदर जाना नहीं चाहते, लोग वहाँ रहना नहीं चाहते, ये भी एक चुनौती है। और इंटरनेट, ये भी एक चुनौती है। जैसे ओरछा में अभी फिलहाल 2-1 साल से ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ कोई डॉक्टर ना से इसलिए नहीं रहना चाहते कि कांटेक्ट नहीं कर पाते अपने माँ बाप से, जहाँ भी बाहर से आते हैं। तो वही एक रोड है, यातायात की सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नर्सेज की कमी है। और एक दूसरी चीज़ जैसे मैं पर्टिकुलर मैं ओरछा ब्लॉक में भी हूँ होता है, तो एक है 30 किलोमीटर रेंज में एक सब हेल्थ सेंटर है। अब मैं कई बार मतलब लेटर भी कलेक्टर साहब को दे चुका था कि ये जो 30 किलोमीटर की रेंज में है वो छोटा छोटा सब हेल्थ सेंटर, ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण कोई भी एक हेल्थ वर्कर उसको उतना दूर कवर नहीं कर पाता। इतना पहाड़ का रास्ता है, एक तो मतलब पगडंडी है, भौगोलिक स्थिति है, तो इसको ये ख़त्म करना है तो सब सेंटर, छोटे छोटे सब सेंटर कम कम एरिया में बनाने पड़ेंगे, और हेल्थ वर्कर को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और मैदानी इलाका में ये है, मैदानी इलाका में कि जैसे नारायणपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, सब हेल्थ सेंटर भी है, तो लोग आराम से पहुँच जा रहे हैं। और दूसरी शिक्षा है तो जागरूकता है, वो भी पहुँच जाते हैं। और जो एक अशिक्षित है उसको बुखार भी है, मलेरिया भी, उसको समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई तेरे को मलेरिया है, हॉस्पिटल आना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सीधे झाड़फूँक में चले जाते हैं। एक सवाल है, आपने बस्तर में काम किया, बस्तर की तो भौगोलिक स्थिति है, हम कांकेर से शुरू करें, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर तो शहर हो गया, फिर तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इस पूरे बेल्ट में, इस पूरे एरिया में यदि हम स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचाना चाहें तो क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए? क्योंकि आपने इंटीरियर में काम किया, सरकार को वो कौन से सुझाव हैं कि हाँ ये करना चाहिए, इससे बेहतर हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारी मौतें या बहुत सारी बीमारियां जो बाहर नहीं आ पा रही, वो घर के भीतर ही या तो मौत हो जा रही है, पता नहीं लग पा रहा। पहली बार तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे मैं था और हमारे CMO सर मिल के और कलेक्टर साहब मिल के जो टेम्पररी जो बनाते हैं, ऐसा कुछ 5-6 सब हेल्थ सेंटर लगाए हैं, मतलब जैसे ले जाके ऑटोमेटिक खड़ा कर देते हैं। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सब हेल्थ सेंटर में भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ नाम के लिए चल रहे हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और अपना जो भी डॉक्टर स्टाफ नर्स या हेल्थ वर्कर वो होने चाहिए पहली चीज़। और इसके अलावा और यातायात के लिए रोड, पहली बात वहाँ पहुँचेंगे तब तो इलाज के लिए, मतलब मूलभूत जरूरतें यदि पूरी हो जाएं तो डॉक्टर वहां पहुंचना चाहेंगे और काम करना चाहेंगे। जी। एक ये बड़ा चैलेंज होता है सर जब मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं, जैसा आपने कहा कि सड़कें ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब डॉक्टर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मरीज भी फिर वहां से बाहर हॉस्पिटल्स तक उनके लिए भी आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे लोग बिना इलाज के ही। आपने झाड़फूंक का भी जिक्र किया, ये चीज़ें वहाँ पर कितना ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा रही हैं? नुकसान तो पहुँचा रही है मैम, जैसे पहले कोई टीवी का पेशेंट है, वो झाड़फूंक के यहाँ जाता था, वो वहीं मतलब दम तोड़ देता था, झाड़फूंक जो व्यक्ति रहता था झाड़फूंक करता था उसी के यहाँ दम तोड़ देता था। तो वहाँ के जिला प्रशासन की एक प्रयास था जब मैं भी हूँ बता दूँ कि सभी जितने भी सिरहा बैगा हैं उनको बुला के बेसिक चीज़ जैसे मलेरिया हो गया उनके सिम्टम और जैसे TB हो गया उनके सिम्टम्स को समझा दिया जाए, ताकि कोई व्यक्ति है कोई मरीज आपके यहाँ आता है TB का आता है तो उसको मतलब हॉस्पिटल भेज सके। ऐसी मेरे सामने भी केस हुए हैं, एक्चुअली मेरे चाचा भी वो हैं सिरहा हैं, तो वो 2 पेशेंट को मेरे सामने रिफर किए, मतलब वो सीधा देखे मतलब कह सके कि पतला दुबला है, फांसी हो रहा है, फिर उसको हॉस्पिटल भेजा।
तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। आपने अपनी माँ का जिक्र किया, अभी चाचा का जिक्र किया, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है यदि, क्योंकि बस्तर को डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई जाना नहीं चाहता, ये इसमें बेमानी नहीं है ना, दो राहें हैं, तो क्या माना जाए, सुखराम दोरपा बस्तर में ही रहेंगे अपना पूरा जीवन, या वो कहीं हिंदुस्तान में और कहीं, या हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहेंगे? जी ऐसी कोई इरादा नहीं है, मैं बस्तर नारायणपुर में ही अपना सेवा देना चाहता हूँ, और वहाँ का हेल्थ सिस्टम को सुधार तो नहीं सकता, लेकिन मैं मेरे जितना हो सके मेरे प्रयास से, अब फिलहाल पीडियाट्रिशियन बनूंगा, तो जितना हो सके बच्चों को जो भी बीमारियाँ हैं उसके इलाज करने की। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बीहड़ से आकर आपकी उपलब्धियाँ, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज डॉक्टर जी है, उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके भविष्य की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, मैं हमारे ग्रुप एडिटर मनोज मनु सर को इनवाइट करूंगी स्टेज पे, कि आए और सर को फेलिसिटेट करें, क्योंकि सर आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है हम सबके लिए, यूथ के लिए। दोरपा जी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, दोरपा जी माइक ले लें। हमारे देश में नक्सल प्रभावित इलाकों में जितने जवान नक्सलियों की गोली से नहीं मरते, उससे ज्यादा जवान डेंगू और मलेरिया से मरते। जी जी जी, ये है, उनकी संख्या क्या है, और उनके लिए सरकार स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, क्या सक्षम हो पाया, या अभी भी स्थिति वैसी है? जैसे मलेरिया मुक्त अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त अभियान, तो सभी कैंपों में मलेरिया का स्क्रीनिंग हो रहा है, लगभग 3-3 महीना 6-6 महीना में हो ही रहा है, और जितने भी दवाइयाँ हैं वो कैंप में भी पहुँचाई जा रही है। क्या संख्या में कमी आई या अभी भी नहीं आई? नहीं, जो पैरासाइट इंडेक्स था, पैरासाइट इंडेक्स मलेरिया का, वो कमी आई है अभी पहले से बहुत, जब से मलेरिया मुक्त अभियान चल रहा है तब से काफ़ी कमी आई है। शुक्रिया, जोरदार तालियां बजाइए सुखराम दोरपा के लिए, जो इंस्पिरेशन है उन तमाम लोगों के लिए और आज के यूथ के लिए। हम उम्मीद करेंगे आप इसी तरह अपना काम करते रहें, और जो लक्ष्य है और जो आप चाहते हैं कि बस्तर में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अच्छा हो, ये हम चाहते हैं कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे। तो अभी यहाँ पर कुछ देर के लिए हम रुकेंगे एक ब्रेक पे, और उसके बाद आगे के सेक्शन को हम जारी रखेंगे।